चैप्टर नंबर 9 खुलते पंख क्लास 4th ये कविता है पतंग की। तो लेट्स स्टार्ट द पतंग कविता। तुम पतंग को कब कब उड़ाते हो? पतंग उड़ाते कैसे लगता है? उड़ती हुई पतंग कैसी लगती है? आकाश में उड़ने वाली पतंग विभिन्न आकार के रंगों रंग बिरंगी पतंगों को देखकर कवि का क्या मन कहता है वो इस कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पतंग, तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूछ, मछली सी करती जल विहार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पतंग है, पतंग के ऊपर क्या लिखा है, पतंग का पहली लाइन कह रही तितली से लेकर पर उधार। तितली से क्या लिए उसने, पर उधार ले लिए। मुर्गे की कलगी जो ऊपर लगी हुई आपको दिख रही लाल कलर की, उसने कलगी लगा रखी है पतंग के ऊपर, उसे कलगी बोला गया। मुर्गी से क्या लिया उसने, कलगी, मुर्गी की कलगी सिर सवार, सिर पर सवार कर ली है। बंदर के समान पूछ जो आपको दिखाई दे रही लंबी लगा लिए पूछ, और मछली सी करती जल विहार, और मछली जैसी जैसे मछली ना पानी के अंदर जैसे तैरती है उस तरह से ये पतंग हवा में उड़ती है। इसकी विचित्र है चाल ढाल है, बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो इसकी जो चाल ढाल होती है जब हवा में उड़ती है तो इसे चाल ढाल क्या होती है, बहुत निराली होती है, विचित्र होती है, और बड़े और जो इसके रंग ढंग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, निराले होते हैं। और जो ये उड़ चली है गगन छूने पतंग, तो ये क्या होती है, जब हवा में उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे गगन को छू रही है ये पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है पर नील गगन की रानी है। जब रॉकेट भी नहीं आया था उससे भी पुरानी है ये पतंग, और ये नील गगन की रानी कहलाती है। मतलब नील जब भी उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे नील गगन को छू रही है, ऐसा लगता है सूरज को छूना चाह रही है, और हिम्मत वाली सैलानी है। ये क्या करती है, जब हवा में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि सूरज को टच करने वाली होती है, और ये हिम्मत वाली भी है और सैलानी भी है। इसके तन से कितनी तरंगे तरंग, इसके मन में कितनी उमंग है, इसके तन में कितनी तरंग है, कितनी उमंग है, और उड़ चली गगन छूने पतंग। तो ये जो जो पतंग है उड़ चली है गगन को छूने के लिए। बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है। जैसा कि आप तब भी आपने देखा होगा जब पतंग हवा में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो बादलों से बातें कर रही है, और जो उसके साथ जो बगुले या जो चिड़ियाँ उड़ती है उससे लगता है कि वो उनके साथ ही उड़ रही है। हिरनी सी इंद्रधनुष वाले, हिरनी सी है मतलब क्या है ना, जब हिरनी के समान यहाँ से वहाँ जंप लगाती रहती है, और इस इंद्रधनुष वाले बादल में आंगन में कूदी कूद फिरती है, यहाँ से वहाँ आंगन में ऐसा लगता है कूद फिरती है, मतलब आंगन मतलब घर से घर, ऐसा लगता है यहाँ वहाँ कूद रही है। ठीक है, कितनी भी ऊँची चढ़ जाए, भले कितनी भी ऊँची चढ़ जाती है पतंग, कितनी भी हवा में ऊँची चढ़ जाए, फिर भी उसकी जो डोर होती है वो मनुष्य के हाथ में ही होती है, मतलब वो नीचे से वो धरती पे ही होती है और उसी कंट्रोल करती है। फिर भी रहती धरती के संग, इसलिए उसे बुलाया गया फिर भी रहती है धरती के संग, क्योंकि उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहाँ पे होती है, धरती के संग होती है, जो कि वहाँ पे ही उसे वहाँ से उड़ाया जाता है धरती से, वहीं से उसको कंट्रोल किया जाता है कैसे उड़ाना है, कैसे उसको यहाँ वहाँ दाएँ बाएँ कैसे घुमाना है, ये सब चीज़ धरती के संग धरती से ही हो जाता है। उड़ चली है गगन छूने पतंग, उड़ चली है ये पतंग छूने गगन को। तो ये कविता है पतंग की जो उड़ चली है छूने गगन को, चैप्टर नंबर 9 खुलते पंख क्लास 4th।